हेलो गाइस, आई एम सलोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल सलोनी स्क्वायर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ विटामिन ई कैप्सूल को यूज कब करें, कैसे करें और कितने दिनों तक करें। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विटामिन ई कैप्सूल को आप 5 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट यूज में आपको क्या करना है कि आपको एलोवेरा जेल लेना है, प्लस उसमें 1 विटामिन ई कैप्सूल ऐड करना है और उसको अपने फेस पे सोने से पहले अप्लाई कर लेना है। ये हो गया फर्स्ट यूज। और अब सेकंड यूज की तरफ जाते हैं, तो हम इसमें देखेंगे कि आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जो भी डेली यूज मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो उसमें आप विटामिन ई कैप्सूल के 1 से 2 ड्रॉप्स डाल के मिक्स करके उसको रेगुलर यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ एंड ग्रोइंग होगी। सो ये रहा हमारा दूसरा यूज। अब चलते हैं तीसरे यूज की तरफ। तो तीसरे यूज में हम इसको अपने हेयर मास्क की तरह यूज कर सकते हैं। इसको आप अपने जो भी हेयर ऑयल यूज करते हो आप उसमें ऐड कर सकते हो इस विटामिन ई कैप्सूल को। इसमें विटामिन ई कैप्सूल के 2 से 3 ड्रॉप या फिर 1 पूरे कैप्सूल को आप अपने ऑयल में ऐड कर लो। उसके बाद आप जैसे अपने नॉर्मल ऑयल को यूज करते हो उसी तरह से अपने हेयर पे अप्लाई करो इसको मिक्स करके। ये आपके हेयर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और थिक बनाता है। इससे आपके हेयर फॉल जो है वो रुकते हैं। इससे आपके हेयर जो है वो बहुत ज्यादा शाइनी और सिल्की होते हैं। सो ये हो गया तीसरा यूज। अब चलते हैं चौथे यूज की तरफ। सो गाइस, चौथे यूज में मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप इसको डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो और इसको आप मसाज कर सकते हो। इससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ग्लोइंग होगी, प्लस इससे आपके जो फेस के हैं वो डार्क स्पॉट्स धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। आप इसको नोटिस करोगे, अगर आप 1 वीक यूज करते हो तो आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, जितने भी रिंकल्स हैं, ये सारे दूर हो जाते हैं। तो अब चलते हैं पांचवे यूज की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, आपको ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल के साथ इसको मिक्स करके अपने फेस पे 5 या 10 मिनट तक मसाज करना है और इसको ओवरनाइट ऐसे ही अपने फेस पे छोड़ देना है। सुबह उठ के आपको अपने फेस को ठंडे पानी से या नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। सो गाइज, ये तो रहा मेरा 5 यूज जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे विटामिन ई कैप्सूल को, और जिससे आपके जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। सो गाइज, मैं रिकमेंड करूंगी आप इन सारे यूजेस को एक बार अपने फेस पे ट्राई करके देखो, अप्लाई करके देखो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको बताऊंगी कि इसको कितने बार यूज कर सकते हैं। इसको आप 1 से 2 वीक तक यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप अपने फेस पे इसको अप्लाई नहीं करें, क्योंकि इसमें फैट सॉल्यूबल होता है जो आपकी स्किन के ओपन पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे आपके स्किन पे पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर पिंपल्स होने लगते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको 1 से 2 वीक तक ही यूज करें। इसके बाद आप 15 या 20 दिन का गैप दें, आफ्टर दैट आप इसको फिर से अपने फेस पे अप्लाई करें। सो गाइज, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसको ऑयली और ड्राई स्किन वाले यूज करें या नहीं करें। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें फैट सॉल्यूबल होता है, तो ऑयली स्किन वाले जब इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो उनके फेस पे ऑलरेडी फैट होता है, ऑलरेडी ऑयल उनके चेहरे पे रहता है, जिससे पिंपल्स आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अगर ऑयली स्किन वाले इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो उनके डेफिनेटली पिंपल्स आते हैं। तो मैं ऑयली स्किन वाले को ये रिकमेंड करूंगी कि आप इसको बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। अगर आपको करना भी है तो आप 1 से 2 बार ही यूज करके इसको अच्छे से थोड़ी देर बाद ही अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें। और ड्राई स्किन वाले 15 से 20 दिन तक इसको जितनी बार भी आपको अप्लाई करना है करें, उसके 2 वीक तक आपको जितने बार अप्लाई करना है करें, आफ्टर दैट उसके बाद आप 1 या 2 वीक तक या फिर 10 से 15 दिन तक आप बीच में गैप दें, उसके बाद इसको अप्लाई करें, जिससे आपके चेहरे के जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, जितने भी रिंकल्स हैं, जितने भी आपके ओपन पोर्स हैं, वो सारे धीरे धीरे क्लोज होने लगते हैं। आपके डार्क स्पॉट्स जो हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं, आपके रिंकल्स धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं। तो ये ऑल ओवर स्किन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो subscribe to my channel for more such natural remedies from me, and press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. See you in my next video. Till then, bye bye, take care, have a good day.